नमस्कार दोस्तों, ऑटोनॉमस एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे टॉपिक का नाम है एक्सरेज या एक्स किरणें। यह अपने समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी जिसका फायदा हम आज भी उठाते हैं। एक्सरेज के उपयोगों का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। बात 8 नवंबर 1895 की है जब जर्मनी के प्रोफेसर कार्ल विलहेम थियोडोर रोंटजेन अपनी लैब में कैथोड किरणों के साथ प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग समाप्त होने के बाद उन्होंने कैथोड रे ट्यूब को एक मोटे कार्डबोर्ड के बॉक्स से ढक दिया। बॉक्स के सामने कैथोड रे ट्यूब के सामने एक बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड लेपित एक पर्दा रखा हुआ था। उन्होंने देखा कि सीआरटी को उन्होंने बॉक्स से ढक दिया है, उसके बाद भी पर्दे पर कुछ चमक उत्पन्न हो रही है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये चमक उत्पन्न होने का कारण क्या है। निश्चित रूप से चमक उत्पत्ति का ये कारण कैथोड किरणें तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कैथोड किरणें कार्डबोर्ड को पार नहीं कर पाती। तो ये फिर ऐसी कोई अदृश्य किरणें हैं जिनका अभी तक पता नहीं चला है और जिसकी वजह से प्रतिदीप्तिशील पदार्थ लेपित पर्दे पर चमक उत्पन्न हो रही है। क्योंकि इन किरणों की उत्पत्ति का स्रोत पता नहीं चला था, इन किरणों के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए उस समय इन किरणों को एक्स किरण नाम दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रोंटजेन ने अचानक ही एक्स किरणों की खोज कर ली। हालांकि रोंटजेन से बहुत पहले हेनरिक हर्ट्ज के शिष्य फिलिप लेनार्ड ने इन किरणों को पहली बार देख लिया था, किंतु वे इसे समझ नहीं पाए थे, वे इसके गुणों को समझा नहीं पाए थे। इन किरणों और उसके गुणों का अध्ययन करने पर उन्होंने पाया कि ये किरणें बहुत से पदार्थों को भेदने की क्षमता रखती है, सरल रेखा में चलती है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से विचलित नहीं होती है। कुल मिलाकर रोंटजेन ये महसूस कर चुके थे कि उन्होंने एक अदृश्य किरण की खोज कर ली है और ये जो अदृश्य किरण है इसके गुण जब उपयोग में परिवर्तित होंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ी क्रांति आएगी। रोंटजेन उत्तेजना भरी खुशी से भर गए और ऐसे अवसरों पर वैज्ञानिकों के लिए यह बड़ी ही स्वाभाविक बात है कि जब उन्हें महसूस होने लगे कि उन्होंने कोई बड़ी खोज करी है तो सबसे पहले तो वो अपनी की गई खोज को यथासंभव गुप्त रखने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे अपनी खोज के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं और अधिक अनुसंधान करते हैं। इतने अनुसंधान करते हैं ताकि वे अपने आप को सबसे पहले संतुष्ट करें, इसके बाद फिर वो अपनी खोज को सार्वजनिक करने का प्रयास करते हैं। रोंटजेन ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपने आप को अपनी ही लैब में कैद कर लिया और वे रात दिन एक्सरेज के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करते रहे, नए नए प्रयोग करते रहे। इसी दौरान 22 दिसंबर 1895 को उन्होंने एक्स किरणों के सामने अपनी पत्नी बार्था की हथेली को रखा और पर्दे पर अपनी पत्नी की हथेली का एक एक्सरे फोटोग्राफ प्राप्त किया। ये जो एक्सरे फोटोग्राफ था प्रथम मानव एक्सरे फोटोग्राफ कहा जाता है। एक्सरे के बारे में पर्याप्त जानकारी जुटाने के बाद 28 दिसंबर 1895 को उन्होंने अपनी खोज को सार्वजनिक किया, जहां उनकी इस खोज के बारे में वैज्ञानिक समुदाय जानकारी प्राप्त कर पाया। 1901 में उनकी इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अपनी खोज के मात्र 4 दिन बाद ही सैनिक के पैर में लगी गोली का पता एक्सरे के द्वारा लगाया गया। शुरुआत में एक्सरे स्टूडियो केवल आनंद और मनोरंजन के लिए खोले गए थे, किंतु शीघ्र ही चिकित्सा में इनका उपयोग पहचान लिया गया। तेजी से प्रत्येक विज्ञान की शाखाओं में इसके उपयोग खोजे जाने लगे, लेकिन अपने प्रारंभिक दिनों में एक्स किरणों के हानिकारक लक्षणों के प्रति सावधानी नहीं बरती गई थी। यही कारण है कि बाल झड़ना, त्वचा का लाल होना, तीव्र दर्द होना, चेतना शून्य हो जाना जैसी समस्याएं दिनों दिन बढ़ने लगी। थॉमस अल्वा एडिसन के सहायक क्लेरेंस डेली एक्स किरणों के अधिक एक्सपोजर के कारण त्वचा के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद वैज्ञानिक समुदाय ने एक्स किरणों के सुरक्षित उपयोग के बारे में शोध और सुरक्षा के उपाय खोजे जाने की मांग की। आज हम एक्स किरणों का सुरक्षित उपयोग कर पाते हैं।
हड्डियों की संरचना के ज्ञान से शुरू हुई एक्सरे की यात्रा बड़ी तेजी से अंगों, मांसपेशियों, रक्तवाहिनियों, तंतुओं के परीक्षण से गुजरती हुई कोशिका में उपस्थित डीएनए संरचना तक पहुंच गई। न केवल चिकित्सा बल्कि भौतिकी, रसायन व खगोल विज्ञान में भी एक्स किरणों की उपयोगिता बड़ी सार्थक सिद्ध हुई। यह यात्रा आज भी अनवरत निरंतर जारी है। वर्तमान में क्रिस्टलों की संरचना हो या डीएनए संरचना, प्रोटीन अणुओं की सूक्ष्म संरचना हो या कोई और क्षेत्र, एक्स किरणों का अद्वितीय योगदान रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, WL ब्रैग व WH ब्रैग ने एक्स किरण क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखी। रोजलिन व फ्रैंकलिन ने डीएनए अणु की संरचना बताई। जीएन रामचंद्रन अपने समय के सबसे बड़े स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट बने, जिन्होंने प्रोटीन की ट्रिपल हेलिक्स संरचना को एक्सरे की मदद से समझाया। 1949 से खगोल वैज्ञानिक एक्स किरणों का उपयोग करने लगे। एक्सरे टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष से आने वाले एक्स किरणों को पहचाना गया। चूंकि पृथ्वी तक ये किरणें पहुंच ही नहीं पाती हैं, अतः इन टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में ही स्थापित किया गया। 1978 में स्थापित ऐसे ही आइंस्टीन एक्सरे टेलीस्कोप से 7000 ऐसे स्रोत पहचाने गए जो कॉस्मिक एक्सरे उत्पन्न करते थे। हमारी आकाशगंगा की पहली तस्वीर इसी टेलीस्कोप से प्राप्त हुई थी। ऐसे ही एक टेलीस्कोप से ब्रह्मांड में सूर्य के समान लगभग 60,000 ऐसे स्रोतों की पहचान हुई जो एक्सरे उत्पन्न करते हैं। 23 जुलाई 1999 को भारतीय वैज्ञानिक SC चंद्रशेखर के नाम पर नासा द्वारा चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया, जिससे तारों की चाल, उनका तापमान, उनके वायुमंडल में उपस्थित गैसों की जानकारी, सुपरनोवा और ब्लैक होल आदि की जानकारी प्राप्त हो पाई। अब बात यह आती है कि एक्स किरणें वास्तव में हैं क्या, ये किन कणों से मिलकर बनी है, किन किरणों को हम एक्स किरणें कहें। प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है। दृश्य प्रकाश के समान एक्स किरणें भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है। किंतु दृश्य प्रकाश के विपरीत एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य, इनकी ऊर्जा कुछ इस प्रकार है कि ये हमारी दृश्यता की परास के बाहर है। हम एक्स किरणों को देख नहीं पाएंगे। हम एक्स किरणों के प्रभाव को तो समझ सकते हैं, लेकिन एक्स किरणों को हम देख नहीं पाएंगे। अब हम बात करते हैं एक्स किरणों के उत्पादन की। चित्र में आप कूलिज नलिका देख रहे हैं। कूलिज नलिका के एक सिरे पर हमने एक फिलामेंट लगाया हुआ है। फिलामेंट को कवर करता हुआ मेटल का एक टुकड़ा लगा हुआ है। मेटल की इस प्लेट और फिलामेंट दोनों को ही कवर करता हुआ एक ऐसा बॉक्स है, जिस बॉक्स के बीचों बीच छोटा सा होल है। इस होल से इलेक्ट्रॉन बौछार के रूप में बाहर की ओर निकल सकते हैं। कैथोड या एमीटर प्लेट के रूप में जिस मेटल का हम उपयोग करने जा रहे हैं, उस मेटल की विशेषता ये होनी चाहिए कि उस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो काफ़ी कम हो। वर्क फंक्शन कम होने पर क्या होगा कि वो थोड़ा सा गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर पाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैथोड या एमिटर प्लेट के रूप में हम जिस मेटल का उपयोग कर रहे हैं, इस मेटल का काम क्या है। इस मेटल का काम है कि गर्म होने के बाद ये इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करे। इस विंडो का काम क्या है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एक सरल रेखा में आगे बढ़ सके, इसलिए इसमें बीच में बारीक होल बनाया गया है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इस होल के माध्यम से सरल रेखा में चलते हुए आगे बढ़ते हैं और जहां वे टारगेट मेटल प्लेट से आकर टकराते हैं। ये दूसरी मेटल प्लेट है जिसे हमने टारगेट मेटल प्लेट कहा है। टारगेट के रूप में हम उस मेटल का उपयोग करते हैं जिसका हीट कैपेसिटी बहुत अधिक होनी चाहिए और जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होना चाहिए। वजह यह है कि ये तेज गति से आने वाले इलेक्ट्रॉन जब टारगेट मेटल से टकराते हैं, जब उसके साथ बम्बार्डिंग करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस में टारगेट मेटल का टेम्परेचर बड़ी तेजी से बढ़ता है। अब यदि मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो ऐसी स्थिति में टारगेट मेटल की जो ये जो प्लेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी गल जाएगी और हमारा प्रयोग पूरा नहीं हो पाएगा। हम एक्स किरणों को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। वजह स्पष्ट है, यदि हीट कैपेसिटी कम हुई तो थोड़ा सा ताप बढ़ाने पर
थोड़ी सी ऊष्मा देने पर इसका ताप बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ये दोनों ही स्थिति में हम एक्स किरणों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए टारगेट के रूप में हम वो मेटल इस्तेमाल करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होना चाहिए और जिसकी हीट कैपेसिटी अधिक होनी चाहिए। प्रायः हम टारगेट मेटल के रूप में या तो टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं या फिर मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टारगेट मेटल से इलेक्ट्रॉन लगातार टकराते रहते हैं, जिससे बहुत ही कम समय में इस टारगेट मेटल प्लेट का टेम्परेचर बढ़ सकता है और हमारे प्रयोग पर व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। ऐसा होने से बचाने के लिए हम टारगेट मेटल प्लेट को कवर करती हुई एक ठंडे पानी की नली या ठंडे तेल की एक नली इसको कवर करते हैं, ताकि टारगेट मेटल प्लेट का ताप नियंत्रित बना रहे और एक सीमा से अधिक उसका ताप न बढ़ पाए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो नलिका है, इस नली के एक छोर पर कैथोड या एमिटर प्लेट के रूप में हमने एक मेटल प्लेट लिया है। इस मेटल प्लेट का काम है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना, और इसके ठीक अपोजिट साइड में हमने एक टारगेट मेटल प्लेट लिया है। इसका काम है कि एमिटर प्लेट से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को इस पर संघट्ट करना है। ये पूरा प्रबंध धातु के एक इवैक्यूएटेड मेटेलिक ट्यूब के अंदर भरा होता है। इसको पूरी तरह से हम कवर्ड कर देते हैं धातु के एक बेलनाकार बॉक्स से, और इस बेलनाकार बॉक्स के अंदर हम निर्वात उत्पन्न करते हैं। इसके अंदर की सारी गैस निकाल ली जाती है। वजह यह है कि हम चाहते हैं कि एमिटर प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन टारगेट तक जब पहुंचे तो रास्ते में किसी गैस के अणु से न टकराएं। साथ ही हम यहाँ पर कांच का ये बॉक्स इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक्स किरणें, उत्पन्न होने वाली एक्स किरणें हमें एक ही स्थान से बाहर निकलती हुई प्राप्त हो सकें, और धातु एक्स किरणों के लिए अपारदर्शी होती है, इसीलिए हम धातु का बॉक्स लेते हैं, कांच का बॉक्स नहीं लेते हैं। इस बॉक्स में एक छोटे से स्थान पर, जहां हम चाहते हैं कि यहां से इस स्थान पर से हमें एक्स किरणें बाहर निकलती हुई दिखाई दें, तो यहाँ पर हम एक माइलार की विंडो लगा देते हैं। ये जो माइलार विंडो है ये एक्स किरणों के लिए ट्रांसपेरेंट होती है, यहाँ से एक्स किरणें बाहर की ओर निकल सकती हैं। आप यहाँ देख रहे हैं हमने दो वोल्टेज सोर्स लगाए हुए हैं। एक वोल्टेज सोर्स हमने फिलामेंट के साथ जोड़ रखा है, इसके वोल्टेज को हम VF नाम दे रहे हैं, और दूसरा जो वोल्टेज सोर्स हमने लगाया है वो दूसरा वोल्टेज सोर्स एमिटर प्लेट, एमिटर मेटल प्लेट और टारगेट मेटल प्लेट के बीच में हमने लगाया हुआ है। हमने टारगेट मेटल प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा है, जबकि एमिटर मेटल प्लेट को हमने नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि वोल्टेज सोर्स VF की उपस्थिति के कारण फिलामेंट के अंदर से करंट बहने लगती है। फिलामेंट उस पदार्थ का बनाया जाता है जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो अपने अंदर से बहने वाली करंट का विरोध करने के कारण इसका ताप बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। अब इसी फिलामेंट के बहुत ही समीप में हमने एमिटर मेटल प्लेट रखी हुई है, तो एमिटर मेटल प्लेट इनडायरेक्टली गर्म होने लगती है। अब चूंकि एमिटर प्लेट के रूप में हमने ऐसे मेटल का चुनाव किया जिसका वर्क फंक्शन बहुत कम था, तो यही कारण है कि ये बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगती है। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एक सरल रेखा में चलते हुए बड़ी तेजी से टारगेट मेटल प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। वजह यह है कि हमने टारगेट मेटल प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं ये नेगेटिवली चार्ज हैं, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टारगेट मेटल प्लेट की ओर बड़ी तेजी से आकर्षित होते हैं। ये त्वरित इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक ऊर्जा वाले होते हैं। जब ये टारगेट मेटल प्लेट से आकर टकराते हैं तो टारगेट मेटल के परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी कक्षा से हटा देते हैं। अब उस हटाए गए इलेक्ट्रॉन का स्थान लेने के लिए परमाणुओं की अन्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से उस रिक्ति को भरना चाहते हैं। इस वजह से हम देख पाते हैं कि एक्स किरण फोटॉन का जन्म होता है। ये एक्स किरण फोटॉन से बनी किरणें, एक्स किरणें माइलार विंडो से बाहर निकलती हुई हमें दिखाई देती है। एक्स किरण फोटॉन की उत्पत्ति इस चित्र के माध्यम से अधिक आसानी से समझी जा सकती है।
हमने एक परमाणु का चित्र बनाया हुआ है, ये परमाणु का नाभिक है। इसके साथ ही हमने वृत्तीय कक्षाएं के, एल और एम बनाई हुई हैं। हम जानते हैं कि के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी तरह से एम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम विचार करते हैं के कोश पर। के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था। इस इलेक्ट्रॉन पर एमिटर से निकलने वाला तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से आया और इस इलेक्ट्रॉन से आकर टकराया, तो इस कारण से इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ गई कि ये अपने स्थान से अलग हट गया। अब यहाँ पर एक रिक्ति उत्पन्न हो गई। निश्चित रूप से इस रिक्ति को भरने के लिए आसपास के इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से इसकी ओर आकर्षित होंगे और बहुत संभव है कि इस रिक्ति को भरने के लिए इस रिक्ति के पास वाली कक्षा से ही इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचेंगे। तो L कोष से ये इलेक्ट्रॉन इस रिक्ति को भरना चाहेगा। अब हम जानते हैं कि L कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का मान कुछ और होता है, जबकि K कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का मान कुछ और होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यदि यहाँ आना है तो अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को त्यागना होगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है तो इसके द्वारा त्यागी गई ऊर्जा को ही हम एक्स किरण फोटॉन के रूप में बाहर निकलता हुआ देख पाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई एक्स किरण फोटॉन की उत्पत्ति के लिए जरूरी है कि एक तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन आए और परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपने स्थान से हटाए। इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में हमें एक्स किरण फोटॉन प्राप्त होगा, अर्थात एक्सरे प्राप्त होगी। अब पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में हम जानते हैं कि एक उच्च ऊर्जा युक्त फोटॉन आता है और परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन से आकर टकराता है और अपनी ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को देता है। ये इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से हट जाता है और इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कह रहे हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की उत्पत्ति का कारण है ऊर्जा युक्त फोटॉन, और हमें परिणाम में क्या मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपने स्थान से हटा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए अन्य इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इस प्रक्रिया में फोटॉन की उत्पत्ति हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स किरणों का उत्पादन और प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये दोनों ही घटनाएं एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं, एक दूसरे के ठीक व्युत्क्रम हैं। आइए अब हम एक बात पर विचार करें। मान लो हमें किसी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे पास दो विकल्प उपस्थित हैं, दो विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प है फोटोनिक एमिशन, अर्थात प्रकाशिक उत्सर्जन का। प्रकाशिक उत्सर्जन कराने के लिए हमें क्या करना होगा, इस मेटल प्लेट पर एक उच्च ऊर्जा युक्त प्रकाश को आपतित कराना होगा। उच्च ऊर्जा युक्त प्रकाश के फोटॉन जब धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे तो अपनी ऊर्जा उनको ट्रांसफर करेंगे और इसी कारण से इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाशिक उत्सर्जन या फोटोनिक एमिशन। धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने का एक दूसरा विकल्प ऐसा भी हो सकता है कि हम इस धातु की प्लेट को ऊष्मा ऊर्जा दें, हम इसे गर्म करें। गर्म करने से धातु में उपस्थित परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ने लगेगी और जैसे ही एक रिक्वायर्ड लेवल तक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी तो वे धातु की सतह को त्याग देंगे। दोनों ही स्थिति में हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों प्रक्रियाओं में थोड़ा सा एक मूलभूत अंतर है, उस पर हम विचार करते हैं। हम जानते हैं कि धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए उस इलेक्ट्रॉन की एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। इस न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। अब फोटोनिक एमिशन पर विचार करें तो इसमें एक ऊर्जा युक्त फोटॉन आकर इलेक्ट्रॉन से टकराता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अचानक बढ़ जाती है और उसका मान कार्यफलन से बहुत अधिक हो जाता है।
यही वजह है कि वो धातु की सतह को त्याग देता है। अब हम त्यागे गए इलेक्ट्रॉन यानी उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर विचार करें तो यह बिल्कुल संभव है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कार्यफलन से कहीं बहुत अधिक है, अर्थात जो बाहर निकला है इलेक्ट्रॉन उसके पास पर्याप्त ऊर्जा है। यही कारण है कि फोटोनिक एमिशन में उत्सर्जित होने वाला इलेक्ट्रॉन गति करने में सक्षम होता है। लेकिन यदि हम तापायनिक उत्सर्जन की बात करें तो यहाँ परिदृश्य थोड़ा सा बदला हुआ है। वजह यह है कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो वस्तु का ताप धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एकाएक नहीं बढ़ेगी बल्कि क्रमशः बढ़ेगी। अब क्रमशः बढ़ने से धीरे धीरे बढ़ने से होगा ये कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कार्यफलन तक पहुंचेगी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को त्याग देगा। अब इस स्थिति में बाहर निकले इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो बाहर निकला इलेक्ट्रॉन है थर्मियोनिक एमिशन के दौरान इस इलेक्ट्रॉन के पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं होती। हम देख रहे हैं कि फोटोनिक एमिशन से बाहर निकले इलेक्ट्रॉन के पास पर्याप्त ऊर्जा होती है लेकिन थर्मियोनिक एमिशन में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसके पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं होती है। कूलिज ट्यूब में थर्मियोनिक एमिशन होता है तो वजह यही है कि एमिटर मेटल प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल जाता है लेकिन इसके पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि ये स्वयं चलकर टारगेट मेटल प्लेट तक पहुंच सके। ये इलेक्ट्रॉन टारगेट तक पहुंच सके ये तभी संभव है जब हम एमिटर प्लेट और टारगेट मेटल प्लेट के बीच एक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाएं और टारगेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखें। तो टारगेट यदि पॉजिटिव पोटेंशियल पर रहेगा तो ये जो बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है एक तरह के आकर्षण बल का अनुभव करेगा और उस आकर्षण के कारण ये त्वरित गति करता हुआ आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा लगभग शून्य है लेकिन जब वो टारगेट से टकराएगा तो टकराने के ठीक पहले इसकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। तो बहुत स्पष्ट रूप से हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा लगभग शून्य है जबकि ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है और जिसका मान हम जानते हैं कि ई वी जीरो होगी जहाँ वी जीरो क्या है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो और जब वो टारगेट से ठीक टकराने वाला होगा इस समय हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है इसका मान ई वी जीरो हो जाता है जबकि स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का मान न्यूनतम हो जाता है शून्य हो जाता है। तो हमने देखा कि टकराने के ठीक पहले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है लेकिन संघट के तुरंत बाद इसकी गतिज ऊर्जा एकाएक कम हो जाती है। टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा लगभग शून्य हो जाती है बहुत ही कम हो जाती है। वजह क्या है गतिज ऊर्जा में होने वाली यह कमी दो परिणाम देती है। इलेक्ट्रॉन आकर टारगेट मेटल से टकराया और उसकी गतिज ऊर्जा कम हो गई। तो गतिज ऊर्जा कम होने के दो वजह हो सकती है दो कारण हो सकते हैं इस टक्कर के कारण या तो फोटॉन का जन्म हो रहा है अर्थात एक्स किरण उत्पन्न हो रही है या फिर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय हो रहा है अर्थात लैटिस वाइब्रेशन या फोनॉन का जन्म हो रहा है। फोनॉन या फोटॉन दोनों में से किसी एक रूप में गतिज ऊर्जा व्यय हो रही है हम ये कह सकते हैं। वास्तव में इलेक्ट्रॉन के प्रत्येक संघट में फोटॉन उत्सर्जन व ऊष्मा क्षय दोनों ही घटनाएं होती हैं। ऊष्मा क्षय के कारण लक्ष्य का ताप बढ़ता है जिसे नियंत्रित करने के लिए ठंडे पानी की नली लगाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के इस संघट के कारण एक्स किरण फोटॉन का जन्म होना और लक्ष्य पदार्थ में ऊष्मा का बढ़ना ये दोनों घटनाएं साथ साथ ही घटित होती हैं। अब बात ये आती है इस प्रोसेस में जो एक्स किरण फोटॉन उत्पन्न हुआ है इस एक्स किरण फोटॉन की ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी ऊर्जा शून्य से लेकर ई वी जीरो तक कुछ भी हो सकती है जहां ई वी जीरो क्या है फोटॉन की मैक्सिमम एनर्जी है जबकि जीरो उसकी न्यूनतम एनर्जी है। हम ये नहीं कह सकते
कि संघट के दौरान ऊर्जा का कितना भाग ऊष्मा के रूप में क्षय हुआ और कितना भाग एक्स किरण फोटान उत्पन्न करने में खर्च हुआ। हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि जो उत्पन्न हुआ फोटान है उस फोटान की ऊर्जा शून्य से लेकर ईवी जीरो के बीच कुछ भी हो सकती है। अब हम इस समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जीरो इज लेस देन एच सी अपॉन लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू ईवी जीरो। ई को हम एच सी अपॉन लैम्डा के रूप में लिख सकते हैं। अब हम पक्षांतर करें तो इस समीकरण को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जीरो इज लेस देन वन अपॉन लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू ईवी जीरो अपॉन एच सी। या फिर हम इस समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन लैम्डा इज ग्रेटर देन एच सी अपॉन ईवी जीरो। समीकरण से स्पष्ट है कि ये जो एक्स किरण फोटान उत्पन्न हो रहा है, इस एक्स किरण फोटान के कारण जो तरंग उत्पन्न हुई है, इस तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान इन्फिनिटी से लेकर एच सी अपॉन ईवी जीरो के बीच हो सकता है। यहाँ एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी प्रकाश की चाल है, ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और वी जीरो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का मान है। तो समीकरण से स्पष्ट है कि जो एक्स किरण फोटान उत्पन्न हुआ है, इस फोटान की जो तरंग दैर्ध्य होगी उसका मान इन्फिनिटी, जो कि बहुत अधिक है, और ये जो राशि है एच सी अपॉन ई वी जीरो, ये इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। एच सी अपॉन ई वी जीरो ये न्यूनतम मान है लैम्डा का और इन्फिनिटी लैम्डा का मैक्सिमम मान है। तो हम ये कह सकते हैं फोटानों की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य अर्थात लैम्डा मिनिमम एच सी अपॉन ई वी जीरो होगा। हम ये भी जानते हैं किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य और उसकी आवृत्ति या उसकी ऊर्जा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अर्थात यदि किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा मिनिमम है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी या इस समय इसकी ऊर्जा मैक्सिमम होगी। अर्थात एच सी अपॉन ई वी जीरो ऊर्जा का ये मान मैक्सिमम मान होगा, अधिकतम मान होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे कूलिज नलिका में एक्स किरण फोटान की उत्पत्ति होती है, एक्स किरण फोटान किस तरह से उत्पन्न होते हैं ये मैकेनिज्म को भी हमने जाना। चित्र पर हमने विचार किया था तो देखा था कि हमने दो वोल्टेज सोर्स VF और VO ये लगाए हुए थे। आइए अब हम देखते हैं कि इन वोल्टेज सोर्स को परिवर्तित करने पर, वोल्टेज का मान बढ़ाने या घटाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं एक्स किरणों को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्णक्रम की प्रकृति के आधार पर एक्स किरणों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले प्रकार को हम कहते हैं सतत एक्स किरण वर्णक्रम, कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम, और दूसरा जो प्रकार होता है चारित्रिक एक्स किरण वर्णक्रम या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। एक दूसरा आधार होता है जिसमें हम एक्स किरणों की तीव्रता व उनकी बेधन क्षमता को आधार मानते हैं। इस आधार पर हम एक्स किरणों को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे, कठोर एक्स किरण और मुलायम एक्स किरण। तो आइए अब हम विचार करते हैं कि ये VF और VO की वैल्यू बदलने पर, इनके मान परिवर्तित करने पर प्राप्त होने वाली एक्स किरणों पर क्या असर पड़ेगा। आइए हम विचार करते हैं कि यदि हम फिलामेंट वोल्टेज को बढ़ाते हैं, फिलामेंट वोल्टेज VF का मान यदि बढ़ता है तो फिलामेंट से निकलने वाले, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। अब अधिक संख्या में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये टारगेट मेटल से टकराएंगे, टारगेट मेटल प्लेट से। जब अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो अधिक संख्या में फोटोनों का उत्सर्जन होगा। यदि एक्सरे फोटोनों की संख्या अधिक हुई तो हम कहेंगे कि एक्सरे की इंटेंसिटी अधिक हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे आई इज अ फंक्शन ऑफ आई एफ, यानी फिलामेंट से बहने वाली करंट आई एफ का फलन होगी एक्सरे फोटोन की इंटेंसिटी। हम जानते हैं कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ ये दो पैरामीटर है जो किसी एक्सरे की गुणवत्ता को परखने के काम आते हैं। तो इंटेंसिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है। आपने व्यवहार में देखा होगा कि जो एक्सरे पैटर्न हम देखते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता, लेकिन
यदि वही एक्सरे पैटर्न डॉक्टर देखता है तो वो आसानी से पता लगा लेता है कि किस जगह पर क्या समस्या है। यदि एक्सरे की इंटेंसिटी कम होगी तो एक्सरे फोटोग्राफ क्लियर नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टरों को इस बात की काफ़ी अधिक प्रैक्टिस हो चुकी होती है, तो वो कम इंटेंसिटी के फोटोग्राफ को देखकर भी समझ जाते हैं कि समस्या क्या है। क्योंकि हम सामान्य व्यक्ति इस बात का आदी नहीं होता, इसलिए उसे एक्सरे फोटोग्राफ सामान्यतः समझ में नहीं आते हैं। तो अभी हमने देखा कि फिलामेंट वोल्टेज यदि आप बढ़ाते हैं तो एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ती है, जो कि एक अच्छी बात होगी। अब दूसरी बात आती है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वी ओ। यदि हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वी ओ का मान बढ़ाते हैं तो हम जानते हैं कि वी ओ का मान अधिक होने से एमीटर मेटल प्लेट से उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बड़ी तेज गति से त्वरित होंगे और बहुत अधिक ऊर्जा के साथ लक्ष्य मेटल प्लेट से टकराएंगे, टारगेट मेटल प्लेट से टकराएंगे। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, अर्थात हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर बहुत अधिक बढ़ गई। पेनिट्रेशन पावर अधिक होने से हम ये कह सकते हैं कि ऐसी एक्सरे जिसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत अधिक है, ऐसी एक्सरे को हार्ड एक्सरे कहा जाता है, कठोर एक्स किरणें कहा जाता है। ऐसी एक्स किरणें जिनकी बेधन क्षमता बहुत अधिक होती है कठोर एक्स किरणें कहलाती हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि किस तरह से फिलामेंट वोल्टेज वीएफ का मान बढ़ाने या घटाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा उत्पन्न होने वाली एक्सरे पर। इसी तरह हमने देखा कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वीओ का मान कम करें या ज़्यादा करें तो उत्पन्न एक्सरे पर क्या असर पड़ेगा। हम ये समझ गए कि किस तरह से हम हार्ड एक्सरे प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से हम सॉफ्ट एक्सरे प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है एक्सरे वर्णक्रम की, एक्सरे स्पेक्ट्रा। हम जैसा कि पहले ही चर्चा कर चुके हैं, एक्सरे स्पेक्ट्रा दो प्रकार के होते हैं, एक कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। आइए पहले हम बात करते हैं सतत एक्स किरण वर्णक्रम की। ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, हमने एक्स अक्ष पर लिया है तरंगदैर लैम्डा को और वाई अक्ष पर हमने लिया है तीव्रता आई को। ग्राफ कुछ इस तरह के प्राप्त हो रहे हैं। ये जो ग्राफ नंबर 1, 2 और 3 जो कर्व हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये तीनों कर्व हमें एक्स किरण के सतत वर्णक्रम को प्रदर्शित कर रहे हैं। आइए जानें कि कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम के ये जो कर्व हमें प्राप्त हुए हैं ये कैसे प्राप्त हुए। मान लें कि ये टारगेट मेटल का एक एटम बना हुआ है, इस एटम का ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो कि एमिटर मेटल प्लेट से निकला हुआ था, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के कारण इसका वेग बहुत अधिक बढ़ते गया और ये तीव्र ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन जब इस परमाणु के पास से गुजरा, तब हम देखते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के पास से होकर गुजरता है तो चूंकि नाभिक में धनावेश है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के कारण एक प्रकार का आकर्षण अनुभव करेगा और इस आकर्षण का प्रभाव ये होगा कि इस इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो थोड़ा सा घट जाएगा, एक तरह से इस इलेक्ट्रॉन की गति में मंदन प्रतीत होगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसका वेग घटा अर्थात ऊर्जा में कमी आई, तो ऊर्जा में यह कमी वास्तव में एक फोटॉन के उत्सर्जन के रूप में हमें दिखाई देती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के कितनी पास जाने पर उसकी ऊर्जा कितनी कम होगी। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक करीब पहुंचेगा उसके वेग में उतनी ही अधिक कमी आएगी। एक बात तो स्पष्ट होती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लक्ष्य परमाणु के अंदर से गुजरता है तो हर हाल में हमें एक्स किरण फोटॉन प्राप्त होता है। अब ये आने वाला इलेक्ट्रॉन परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन से टकराए, जैसा कि हमने पिछली बार ये देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के के कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से टकराया था और इस इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकाल दिया था,
तब हमने देखा था कि एक एक्सकिरण फोटॉन उत्पन्न हुआ था, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ये तो किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराया नहीं है, तब भी हम देख रहे हैं कि एक्सकिरण फोटॉन तो उत्पन्न हुआ। इसका मतलब है कि जैसे ही एमिटर प्लेट से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है और टारगेट मेटल के परमाणु से टकराता है, तो हर हाल में हमें एक्सकिरण फोटॉन प्राप्त होगा। अब प्राप्त होने वाले फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी, इसकी ऊर्जा की परास कितनी होगी, ये ऊर्जा की परास बहुत अधिक होगी। यही वजह है कि हमें सतत एक्सकिरण वर्णक्रम प्राप्त होता है। सतत वर्णक्रम का रूप कुछ इस प्रकार होगा। हमने यहाँ तीन वक्र, वक्र एक, वक्र दो और वक्र तीन दिखाए हुए हैं। जब फिलामेंट विभव VF का मान बढ़ाते हैं तो अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, किंतु सभी की गति एक समान होगी। अर्थात क्या होगा कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो होंगे, क्योंकि हमने फिलामेंट वोल्टेज बढ़ा दिया, तो फिलामेंट वोल्टेज बढ़ने से उसका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर अधिक बढ़ने से बहुत अधिक संख्या में फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। लेकिन इन सारे इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो तो एक समान ही होगी। यही वजह है कि वक्र एक और वक्र दो, हम देख रहे हैं कि यहाँ इंटेंसिटी भले ही भिन्न भिन्न है, लेकिन इनकी जो लैम्डा मिनिमम का मान है, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य, इसका मान एक जैसा ही है। लेकिन यदि अब हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वीओ को बढ़ाते हैं, तब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से टारगेट मेटल की ओर आकर्षित होने लगते हैं और अधिक ऊर्जा से संघट्ट करते हैं, और संघट्टों की संख्या बढ़ जाती है, साथ ही उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या, ये दोनों ही चीज बढ़ जाती है। यही वजह है कि हमें वक्र तीन प्राप्त होता है। तो वक्र तीन, तीन नंबर का ये जो वक्र प्राप्त हो रहा है, ये तब प्राप्त हो रहा है जब हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वीओ का मान बहुत अधिक कर दिया है। एक बात समझ में आती है, सतत वर्णक्रम हर पदार्थ के लिए लगभग यही रूप का होता है। अब हमने टारगेट मेटल के रूप में या एमिटर मेटल के रूप में कोई भी मेटल लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सतत वर्णक्रम सभी पदार्थ के लिए एक जैसा ही होगा। इसी प्रकार का बीच से उभार वाला एक वक्र हमें प्राप्त होता है, और हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये जो एक्सरे स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम है, किस पदार्थ का स्पेक्ट्रम है, क्योंकि सभी पदार्थों के लिए इसका रूप एक जैसा ही होगा। जैसा कि हमने पहले बताया था, एक्सरे स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम वास्तव में कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रम है। ये पदार्थ विशेष की पहचान करता है और ये पदार्थ का व्यक्तिगत गुण है, चारित्रिक गुण है, इसीलिए ये चारित्रिक एक्सरे वर्णक्रम कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्पेक्ट्रम का स्वरूप कुछ इस प्रकार का होता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हमें ऊंचे शिखर, ऊंचे पीक हमें प्राप्त होते हैं। दरअसल ये जो पीक है, इन पीक के संगत यदि हम तरंगदैर्ध्य की वैल्यू निकालें, तब हम पाते हैं कि ये जो पीक हमें प्राप्त हुए हैं, अलग अलग पदार्थों के लिए इनका मान बड़ा विशिष्ट होता है। हर पदार्थ के लिए इन पीक की वैल्यू भिन्न भिन्न होती है। यही वजह है कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है, ये पदार्थ विशेष की पहचान के रूप में काम में लाया जाता है। आइए अब हम इस बात को समझें कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता होगा। अब हम जान चुके हैं कैसे एक एक्सरे फोटॉन का जन्म होता है। हमने यहाँ एक लक्ष्य का परमाणु बनाया है। परमाणु के लिए हमने के कोश, एल कोश, एम कोश और ये एन कोश, ऐसे चार हमने वृत्तीय कक्षाएं बनाई हुई है। हम जानते हैं कि जब के कोश से आने वाला इलेक्ट्रॉन टकराता है और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, तो इस रिक्ति को भरने के लिए सबसे पहले एल कोश से इलेक्ट्रॉन चलकर यहाँ पहुँचता है, और इस प्रक्रिया में वो एक एक्सरे फोटॉन का जन्म करता है। आवश्यक नहीं है कि एल कोश से ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे। यदि एम कोश से कोई इलेक्ट्रॉन चलकर के कोश में उत्पन्न रिक्ति का स्थान ग्रहण करता है, तो इस प्रक्रिया में भी एक एक्सकिरण फोटॉन का जन्म होगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि
एन कोश से यदि इलेक्ट्रॉन चलकर पहुंचता है और के कोश में उत्पन्न हुई रिक्ति को भरता है, तो इस प्रक्रिया में भी वो एक फोटॉन का जन्म करेगा। इस एक्सकिरण फोटॉन के कारण हमें एक किरण प्राप्त होगी। अब यदि मान लो आने वाला इलेक्ट्रॉन एल कोश के किसी इलेक्ट्रॉन को अपने स्थान से निकालता है और एल कोश में एक रिक्ति उत्पन्न होती है, तो निश्चित रूप से ये भी संभव है कि एल कोश की इस रिक्ति को भरने के लिए एम कोश से एक इलेक्ट्रॉन चलकर वहां आ जाए और इस रिक्ति का स्थान ले ले। इस प्रक्रिया में भी एक्स किरण फोटॉन की उत्पत्ति होगी। अब हम देखते हैं कि एन कोश से भी इलेक्ट्रॉन चलकर इस रिक्ति का स्थान ले सकता था, इस प्रक्रिया में भी एक एक्स किरण फोटॉन की उत्पत्ति होगी। हम देख रहे हैं कि आने वाला जो ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन है, के कोश, एल कोश, एम कोश या एन कोश, कहीं पर भी कोई भी रिक्ति उत्पन्न कर सकता है और उस रिक्ति को भरने के लिए अन्य कोशों से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इन इलेक्ट्रॉनों के आने की वजह से एक्स किरण फोटॉन का जन्म होगा। इसी चीज को हमने ग्राफ पेपर पर यहाँ स्पष्ट किया हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं ये ऊर्जा स्तर बनाए हुए हमने के कोश, एल कोश, एम कोश और ये एन कोश, और इसी प्रकार से हमने उच्चतर ऊर्जा स्तर भी बनाया हुआ है। हम देखते हैं यदि एल कोश से इलेक्ट्रॉन चलकर आता है और के कोश में उत्पन्न रिक्ति का स्थान लेता है, तो हमें एक्स किरण फोटॉन की दिखाई देगा, इसकी उत्पत्ति दिखाई देगी। इसी प्रकार यदि एम कोश से इलेक्ट्रॉन के कोश में पहुंच रहा है या एन कोश से पहुंच रहा है या उच्चतर कक्षा से पहुंच रहा है, तब ऐसी स्थिति में हमें एक्स किरण फोटॉन प्राप्त होंगे और ये जो रेखाएं प्राप्त होंगी ये के श्रेणी की रेखाएं होंगी। यदि एल कोश से इलेक्ट्रॉन के कोश में पहुंच रहा है तो हमें जो रेखा दिखाई देगी उसको हम के अल्फा रेखा कहेंगे। इसी प्रकार यदि एम कोश से इलेक्ट्रॉन चलकर आता है, के कोश की रिक्ति को भरता है और इस प्रक्रिया में एक फोटॉन उत्सर्जित करता है, तो जो रेखा प्राप्त होगी उसको हम के बीटा रेखा कहेंगे। इसी प्रकार एन कोश से इलेक्ट्रॉन चलकर के कोश की रिक्ति को भरता है और एक्स किरण फोटॉन की उत्पत्ति करता है, तो जो रेखा प्राप्त होगी हम उसे के गामा रेखा कहेंगे। तो हम देख रहे हैं के अल्फा, के बीटा, के गामा, इसी तरह के डेल्टा, ये जो रेखाएं प्राप्त हो रही हैं ये रेखाओं को हम कहते हैं के श्रेणी की रेखाएं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एल कोश में कोई रिक्ति उत्पन्न हुई है और उच्चतर कोशों से उस रिक्ति को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन आते हैं और इस प्रक्रिया में एक्स किरण फोटॉन की उत्पत्ति होती है, तो हमें एल श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होंगी। एम कोश से एल कोश में यदि इलेक्ट्रॉन आता है तो एल अल्फा रेखा प्राप्त होगी। एन कोश से यदि एल कोश में कोई इलेक्ट्रॉन आता है और एक एक्स किरण फोटॉन उत्पन्न होता है, तो हमें एल बीटा रेखा प्राप्त होगी। इसी तरह एल डेल्टा रेखा प्राप्त होगी। यदि उच्चतर कोशों से एम कोश की रिक्ति को भरने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमें एम श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती हैं। हम केवल पहली और दूसरी कक्षा की बात करते हैं, अर्थात के कोश और एल कोश की। यदि दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में संक्रमण हो रहा है, तो इस संक्रमण के दौरान जो एक्स किरण फोटॉन उत्पन्न होगा, जो तरंग उत्पन्न होगी, उस तरंग की तरंग दैर्ध्य बोहर मॉडल के अनुसार 1/λ² = r×z² 1/n1² - 1/n2² होती है। यहाँ r रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। ये जो सूत्र है बहुल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए सही नहीं है। वजह यह है कि जो रिक्ति उत्पन्न हो रही है उस रिक्ति पर विभिन्न कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपना प्रभाव डालते हैं, दूसरे अन्य कोशों से इलेक्ट्रॉन उस रिक्ति में आने का प्रयास करते हैं। तो ये जो उपरोक्त जो समीकरण था 1/λ² = rz² 1/n1² - 1/n2² ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए लागू नहीं होगा, वो सटीक नहीं बैठेगा। तो इसके स्थान पर ये वाला जो संशोधित रूप है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अनुसार 1/λ = rz - b² 1/n1² - 1/n2² हम इस समीकरण का उपयोग करेंगे। यहाँ पर r रिडबर्ग कांस्टेंट है और b को हम कहते हैं स्क्रीनिंग गुणांक या आवरणांक कहते हैं।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एल कोष से के कोष में संक्रमण करता है तो इसके लिए ये समीकरण कुछ इस प्रकार होगा, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1, एन 1 की वैल्यू हमने 1 रखा, एन 2 की वैल्यू हमने 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, सिंप्लीफाई करने पर 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड माइनस बी का स्क्वायर 3/4, या 1 अपॉन लैम्डा को हम न्यू अपॉन सी लिख सकते हैं। तो ये समीकरण कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा, और हम यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालें, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 3RC/4 जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम वर्गमूल निकालें तो रूट न्यू इक्वल टू रूट 3RC/4 जेड माइनस बी। तो हम देख रहे हैं कि एल कोस से के कोस में होने वाले संक्रमण के लिए हम जानते हैं कि बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट बी की वैल्यू 1 होती है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूट न्यू समानुपाती होगा जेड, यहाँ जेड परमाणु क्रमांक है और न्यू जो एक्स किरण फोटान है उसकी आवृत्ति है। तो हम देख रहे हैं कि उत्सर्जित फोटान की आवृत्ति पदार्थ के परमाणु क्रमांक के समानुपाती है, तो ये इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं न्यू समानुपाती जेड स्क्वायर, अर्थात हम कह सकते हैं एक्स वर्णक्रम रेखा की आवृत्ति लक्ष्य पदार्थ के परमाणु क्रमांक के वर्ग के समानुपाती होती है। वास्तव में ये जो नियम है ये मोसले का प्रसिद्ध नियम कहलाता है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में हमें जो शिखर मिल रहे हैं, जो पीक मिल रहे हैं, के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा, ये दरअसल चारित्रिक वर्णक्रम के शिखर हैं, और इन शिखरों के संगत ये जो शिखर हमें जिस तरंग दैर्ध्य पर प्राप्त हुए हैं ये शिखर उस पदार्थ के परमाणु क्रमांक से संबंधित है, अर्थात ये उस परमाणु विशेष, उस तत्व विशेष के चरित्र को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं चारित्रिक एक्स किरण वर्णक्रम। हम जानते हैं कि उत्सर्जित फोटान की अधिकतम ऊर्जा अर्थात ई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ई इंटू वी नॉट या ई वी के बराबर, यहाँ वी नॉट को हमने वी के बराबर लिया है। ई मैक्सिमम को हम एच न्यू मैक्सिमम लिख सकते हैं, तो एच न्यू मैक्सिमम इक्वल टू ई इंटू वी, या यहाँ से हम न्यू मैक्सिमम ले सकते हैं, तो न्यू मैक्सिमम इक्वल टू हुआ ई वी अपॉन एच, या न्यू को हम न्यू मैक्सिमम को हम इस प्रकार लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा मिनिमम, तो सी अपॉन लैम्डा मिनिमम इक्वल टू हो गया ई वी अपॉन एच। यहाँ से इस समीकरण से हम लैम्डा मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्डा मिनिमम इक्वल टू हो गया एच सी अपॉन ई इंटू वी। हम जानते हैं एच प्लैंक कांस्टेंट, सी प्रकाश की चाल और ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये तीनों ही कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट की वैल्यू हम रख देते हैं तो लैम्डा मिनिमम का मान हमें इस प्रकार मिलेगा 12.375 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। स्पष्ट है कि लैम्डा मिनिमम और वी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात लैम्डा मिनिमम न्यूनतम तरंगदैर्ध्य का मान त्वरक विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो महत्वपूर्ण जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है ये रिजल्ट दरअसल डुआने व हुंट का नियम कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम में हम जो शिखर, तीखे शिखर देख रहे थे, ये शिखर के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा रेखाओं को प्रकट करते हैं। इन रेखाओं के संगत जो वर्णक्रम रेखा है उसकी आवृत्ति की हम गणना इस प्रकार से कर सकते हैं। के अल्फा रेखा के लिए आवृत्ति होगी न्यू इक्वल टू ई एल माइनस ई के अपॉन एच, इसी तरह के बीटा रेखा के लिए ई एम माइनस ई के अपॉन एच, इसी तरह एल अल्फा रेखा के लिए आवृत्ति न्यू इक्वल टू होगी ई एम माइनस ई एल अपॉन एच। दोस्तों अभी तक हमने एक्स किरण के इतिहास के बारे में जाना, एक्स किरण की उत्पत्ति कैसे होती है ये समझा, एक्स किरण कितने प्रकार की होती है ये जाना, एक्स किरण के लिए से जो वर्णक्रम है सतत वर्णक्रम और चारित्रिक वर्णक्रम ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं ये समझा। अब हम जानें कि एक्स किरणों की विशेषताएं क्या हैं, एक्स किरणों की वे खास गुण क्या है, खास लक्षण क्या है, उन पर चर्चा करते हैं। पहला गुण है एक्स किरण उच्च ऊर्जा युक्त विकिरण है,
ये उच्च ऊर्जा युक्त विकिरण है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश से अधिक आवृत्ति के विकिरण की होती है और पराबैंगनी प्रकाश के बाद इनका नंबर आता है। चूंकि इनकी आवृत्ति अधिक होती है इसलिए इनकी तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तुलना में बहुत कम होती है, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक इनकी तरंगदैर्ध्य होती है। चूंकि ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का ही एक रूप है, अतः विद्युत चुंबकीय विकिरण में जो गुण होते हैं वे सारे हमें एक्सरे विकिरण में प्राप्त होते हैं, अर्थात ये इनमें सरल रेखीय गमन होगा, सरल रेखीय गमन का गुण इनमें प्राप्त हम देखेंगे, और साथ ही हम देखेंगे कि एक्स किरण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से विचलित नहीं होती, ये बिल्कुल अप्रभावित होती है, ठीक वैसे ही जैसे दृश्य प्रकाश। दूसरा गुण है, इन किरणों में आयनन क्षमता उच्च होती है। चूंकि एक्स किरणें उच्च ऊर्जा युक्त होती हैं, अतः मार्ग में आने वाले परमाणुओं से संघट कर उन्हें आयनित करने की क्षमता रखती है। तीसरा गुण है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करना। ये एक्स किरण प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। एक्स किरणें बहुत से भारी तत्वों के परमाणुओं से टकराकर अपनी एनर्जी ट्रांसफर प्रॉपर्टी के कारण चमक उत्पन्न करती है। प्रायः यूरेनियम, कैल्शियम, बेरियम आदि में यह चमक दिखाई देती है। इन पदार्थों का परमाणु क्रमांक अधिक होने से परमाणुओं का आकार बड़ा होता है। जब एक्स किरणें इनसे टकराती हैं तो अवशोषित कर ली जाती हैं, तब ऊर्जा स्थानांतरण के कारण ये परमाणु चमकने लगते हैं, जिन्हें हम प्रतिदीप्ति के रूप में देख पाते हैं। अगला गुण यह है कि एक्स किरण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। अभी तक हमने जिन गुणों की चर्चा की ये सारे भौतिक गुण कहलाते हैं। इनके साथ ही एक्स किरणें कुछ रासायनिक गुणों का प्रदर्शन भी करती हैं, जिनमें एक गुण यह है कि ये एक्स किरणें जल अणु का विघटन कर देती हैं, विलयन की केमिकल प्रॉपर्टी को प्रभावित करती हैं। पानी के अंदर से एक्स किरण यदि गुजरती है तो जल के हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन को पृथक कर देती हैं। ये OH- आयन जल में घुले अन्य पदार्थों के साथ रिएक्ट करते हैं। अगला गुण है, एक्स किरणें एंजाइमों की क्रियाविधि दर को प्रभावित करती हैं। एंजाइम की क्रियाविधि की दर एक्स किरणों के कारण प्रभावित होती है। एक्स किरण किसी एंजाइम के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाए जाने वाले कार्य को बाधित कर देती है। अगला रासायनिक गुण है, एक्स किरणें फर्मेंटेशन किण्वन को समाप्त कर देती है। किण्वन का अर्थ होता है शर्करा को अल्कोहल व गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। तो ये जो एक्स किरण है, ये एक्स किरण किण्वन प्रक्रिया को पूरी तरह से डैमेज करती है। अगला रासायनिक गुण है विसंक्रमण। शरीर के अंदर उपस्थित घाव, सूजन और छोटे मोटे संक्रमण को ठीक करने की क्षमता रखती हैं एक्स किरणें, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करने की क्षमता होती है। लेकिन जैसा कि हम प्रारंभ में ही समझ चुके हैं, एक्स किरणों में ऊर्जा अधिक होने के कारण इसके कुछ घातक प्रभाव भी हैं। स्किन बर्न्स, टिश्यू डैमेज, ब्लड सप्लाई चेंज आदि ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे गंभीर शारीरिक विकार हो सकते हैं और जिनसे त्वचा के कैंसर तक की संभावना होती है। मित्रों, आज के इस व्याख्यान में हमने एक्स किरणों के बारे में लगभग सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको विषय वस्तु को समझने में लाभकारी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।